सुमन अजीत गर्ग के एक शास्त्रीय स्वरंजनी पर जिसे पेश कर रही है नवसाधना कला केंद्र की छात्राएं। स्वागत आहे सकल जनाची, हृदय विराजमान है अतिथि गण। समस्या आएगी सोचकर परेशान होने लगते हैं। हे भगवान,
तुम ही हम सबको संभालो। जगत की जननी नारी है, इस नारी का सम्मान करो, इसी से उत्पन्न ये सारा, शीश झुका कर प्रणाम करो। पापा का पेंशन 15,000 मिलता और उसमें 3,000 दवाई पे खर्च हो जाता।
फिर अपने बेटे के लिए 21,000 का मोबाइल क्यों लिया? बहुत दिनों से लड़का कह रहा था और मैंने वादा भी तो किया था कि अच्छे अंक लेकर पास होने से मोबाइल दूंगा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतना महंगा मोबाइल। ठीक है बस करो, मुझे पता है किसको क्या और कब देना है। ये नया मोबाइल क्या क्या कारनामे कराने वाला है। आगा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जाती हूँ। हाँ मुनी, जैसे मुझे पता चला कि दादाजी घर से चले गए, मैंने पहला काम यही किया कि दादा के आधार कार्ड का फोटो खींच के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि में शेयर किया कि मेरे दादा मिसिंग। बस रातों रात में न्यूज फैल गई, आज दोपहर को दादा का ठिकाना पता चल गया। कम से कम कुछ तो फायदा मिला इस मोबाइल फोन से। नहीं पापा, कुछ तो फायदा नहीं, पूरा का पूरा फायदा ही फायदा है। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो सब सही है। पापा आप बताइए कहाँ थे? मुझे क्या बोलना है, मेरे बोलने से कोई सुनने वाली नहीं है। हेलो मनोज, बोल क्या हुआ? आपके दादा मिल गए हैं। क्या? हाँ, आपके दादा को लेकर आया हूँ, आकर दरवाजा खोलो। ये कौन से दादा को लेकर आया है? ये कौन है? यही है मेरे दादाजी। तो मैं जिसको लाया हूँ ये कौन है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है। यहाँ तुमने जो फोटो मिसिंग कहकर व्हाट्सएप में शेयर की थी उसे देखो और इस आदमी को देखो, मैच होता है या नहीं। लेकिन मेरे दादाजी मिल गए हैं, यहाँ देखो जो बैठे हैं वही है मेरे दादाजी। लेकिन ये फोटो आपके ओरिजिनल दादाजी से बिल्कुल नहीं मिलती है। मैंने जल्दीबाजी में अपने दादा के आधार कार्ड की फोटो से फोटो खींची थी और शेयर की थी। अब क्या करें? ऐसा करो, इनको जहां से लेकर आए हो वहीं जाके छोड़ो। पापा कम से कम अब तो बताइए क्या हुआ आपको? मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। पापा फिर आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, मेरे इस घर में रहना और न रहना आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। पापा आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था। पापा हम लोगों ने आपके लिए क्या कमी कर रखी है? ठीक है मैं बताता हूँ, मैं कब से अपनी इस मशीन के लिए एक बैटरी मांग रहा हूं, तुम्हारे पति को अभी तक नहीं मिली। पापा मैंने आपको बताया था ना कि दुकान में नहीं आई बैटरी। हाँ मुझे पता है कि दुकान में नहीं आया है और आगे भी पता है कि तुम अपनी बीवी से क्या बात कर रहे थे। पापा आपको तो हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने अपने लड़की को 21,000 में नया मोबाइल खरीद कर दिया है। दादा आपको क्या पता इस मोबाइल के बारे में? हाँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मोबाइल तुम्हें किस तरह बर्बाद कर रहा है। दादा आप इस नए जनरेशन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हे प्रभु आप ही बता दीजिए, एक तरफ मेरी पत्नी, दूसरी तरफ मेरा लड़का और तीसरे मेरे पापा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और प्रार्थना करो, सब कुछ समय पर प्रभु तुम सबको समझा देगा। और उस समय मैं इस घर पर रहूंगा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जॉनसन तुम कहाँ जा रहे हो? आप उसको रोकिएगा। वो कहाँ जाएगा, जब भूख लगेगी ना अपने आप घर वापस आएगा। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पहले या बंद के बारे में।
आज मत जाओ, जल्दी उत्तर दिखाओ। आप मेरा दिमाग चाह रहे हैं, आप बताइए किधर का होता है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। हम लोग लखनिया से आ रहे हैं। तुम कहीं से भी आओ, मुझे कोई मतलब नहीं। हमें भी कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मतलब है। लो, अभी अभी तो आपने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं। ये मेरा मतलब केवल टिकट से है। तो बताओ तो सही कि टिकट का मतलब क्या है। टिकट का मतलब है। हाँ जी हाँ, वो तो मेरे पास है। मैं तो अभी तक मतलब समझा ही नहीं, अब तुम्हारे पास कहाँ गया है। तुम तो बहुत समझदार हो, जल्दी खाओ। ये तुम्हारा टिकट है। हाँ जी, इसको हमारे लखनिया में टिकट कहते हैं, हमारा आदमी नहीं जानता है। अरे तुम तो बड़ी होशियार हो गई। हाँ, उसे गले लगा कर एक चुम्मा दे देना। नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। अरे बेवकूफ, आपको कैसे मेरी पत्नी का नाम पता चला। भगवान, तुम कहाँ हो, मुझे कब तक सताओगे। अरे भाई साहब, इसमें भगवान की क्या गलती है। बहुत दर्द होता है क्या। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। तुझे भी चाहिए। बिल्कुल वो लोग अंदर जाती हैं और जवानों पर बाहर आती हैं। सच में का? हाँ, ये तुमने सही कहा। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, पर मैं भी कभी कभी सही कहती हूँ। चलो हम दोनों अंदर जाएं। मैं कहाँ बुद्धि हुई हूँ, आप ही बूढ़े दिखते हैं। देखो तुम्हारे सारे बाल पक गए हैं, तुम चाहो तो चले जाना और जवान को कराना। मैं जाऊँ क्या। जल्दी जाना, नहीं तो कोई और चला जाएगा। तुम नहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं कितने छोटे हो जाएंगे, पता चला मुझसे भी छोटे हो गए। हे भगवान, ये क्या हुआ। बुढ़िया तो जवान हो गई, लेकिन मेरा पति कैसे कुत्ता हो गया। ए लड़की, मेरे पति को कहाँ लेके जा रही है। तू पागल हो गई है क्या। ये मेरा पति है। एक झापड़ दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे। अब चुप क्यों है, इन्हें समझाइए। हर सामने से मुझे जाना है। तुम जाओ, लेकिन मेरे पति को छोड़ कर जाओ। ए चंचला, कहाँ हो। तुम कहाँ थे। तुम्हें वो लड़की क्यों मार देते। तुम्हारे कारण मैंने मार खाई। कैसा लगा। कुछ देर पहले तुम्हें जैसा लगा। Thank you.
Thank you very much and good luck for all your programs and thank you for